जनाब ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग हुए थोड़ा ही वक्त बीता था। दोनों देशों में अलग तरह का माहौल था, अलग तरह का संघर्ष था। इसी दौरान 35-36 साल के कलाकार ने सवाल किया था, क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ साथ कला संस्कृति का भी बंटवारा हो गया है? क्या संगीत के 7 सुरों में से 4 हिंदुस्तान में है और 3 पाकिस्तान चले गए? नमस्कार, आज मैं चंद्रेश सिंह आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक बड़ी शख्सियत की कहानी सुनाऊंगा। ये वही शख्सियत है जिन्होंने वो सवाल किया, उस्ताद आमिर खान। दरअसल बंटवारे के बाद दोनों देशों को अलग अलग नियम कानून में बांधने की कोशिश चल रही थी। कहते हैं इसी दौरान पाकिस्तान में इस बात के भी प्रयास किए गए थे कि एक अलग किस्म की राष्ट्रीय संस्कृति बनाई जाए, हिंदुस्तान से अलहदा किस्म का संगीत तैयार करने की सोची जाए। इसी सोच से नाराज होकर उस्ताद आमिर खान ने यह सवाल पूछा था। अच्छा, उस्ताद आमिर खान भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान कलाकारों में गिने जाते हैं। उनकी पैदाइश 15 अगस्त 1912 को, पिता शामिर खान भेंडी बाजार घराने से ताल्लुक रखते थे। वे सारंगी और वीणा के मशहूर कलाकार थे। जाहिर है आमिर खान बचपन से ही संगीत सीखने लगे। ये जरूर है कि गायन से पहले उन्होंने सारंगी की तालीम दी थी। घर में हर शुक्रवार संगीत की महफिल लगती थी। एक रोज आमिर खान के पिता को समझ आया कि बेटे का ध्यान गायन की तरफ ज्यादा लग रहा है। उन्होंने भी बेटे को रोकने की बजाय उन्हें शास्त्रीय गायन की तालीम दिलाने पर जोर दिया। इसका असर यह हुआ कि जल्दी ही आमिर खान रंगमंच में गाने लगे। धीरे धीरे सारंगी बजाना बिल्कुल ही छूट गया। कहते हैं कि एक बार अब्दुल वहीद खान साहब ने आमिर खान को गाते हुए सुना। उन्हें आमिर खान की गायकी बहुत पसंद आई और उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। अब्दुल वहीद खान किराना घराने के बेहद प्रतिष्ठित कलाकारों में गिने जाते थे। शास्त्रीय संगीत की दुनिया में आमिर खान की वाहवाही तब शुरू हुई जब वो दिल्ली छोड़कर कोलकाता गए। वहां पर उन्होंने रेडियो के लिए रिकॉर्डिंग की और लोगों ने उनकी गायकी को जमकर सराहा। कोलकाता में थोड़ा समय बिताने के बाद उस्ताद आमिर खान मुंबई चले गए। धीरे धीरे उस्ताद आमिर खान की गिनती उन शास्त्रीय गायकों में होने लगी जो गायकी नहीं चिंतन करते हैं, एक एक सुर में डूबते जाना और डुबोते जाना, यही उनकी खासियत। इस किस्से की प्रामाणिकता तो नहीं पता, लेकिन इतना कहा जाता है कि इसी सुर चिंतन की वजह से शुरुआती दौर में उस्ताद आमिर खान को एक बार लोगों ने खूब तक कर दिया था। लेकिन उस्ताद आमिर खान को अपनी गायकी से समझौते की आदत नहीं थी। उन्होंने ख्याल गायकी की उस परंपरागत सोच को भी पूरी तरह तोड़ा जिसमें कहा जाता था कि ख्याल गायकी में शब्दों का महत्व नहीं होता है। भैरव, तोड़ी, केदार, ललित, मारवा, पूरिया, दरबारी, मुल्तानी, पूरी, मारवा, रागेश्री, शुद्ध कल्याण, शुद्ध सारंग जैसे रागों को गाने में उन्हें बहुत मजा आता था। लेकिन नियम वही था कि पहले वो अपनी गायकी का मजा खुद लेते थे। आम संगीत प्रेमियों के बीच में उस्ताद आमिर खान का नाम तब प्रचलित हुआ जब वो बैजू बावरा और झनक झनक पायल बाजी के साथ जुड़ गए। बैजू बावरा सन 1952 में रिलीज हुआ जिसमें संगीत दिया था नौशाद साहब। उन्होंने अपने रिस्क पर इस फिल्म में उस्ताद आमिर खान और पंडित डी वी पलुष्कर से गायकी करवाई, जो प्रयोग उस दौर में जमकर हिट हुआ। बैजू बावरा में राग पूरिया धनाश्री, तोरी जय जयकार और राग देसी में आज गावत मन में रोज झूम के उस दशक के पसंदीदा गानों में शुमार हैं। इस फिल्म की कामयाबी के तुरंत बाद महान फिल्म निर्माता वी शांताराम फिल्म बना रहे थे झनक झनक पायल बाजी, जिसमें संगीत दिया वसंत देसाई ने। इस फिल्म का टाइटल गीत गाया उस्ताद आमिर खान। इन दोनों फिल्मों ने उस्ताद आमिर खान को आम संगीत प्रेमियों के बीच भी खूब शोहरत दिया। उस्ताद आमिर खान की गायकी के दीवानों में भारत रत्न लता मंगेशकर भी शुमार है। वो अपने पसंदीदा शास्त्रीय गायकों की फहरिस्त में हमेशा खान साहब का नाम बड़ी प्रमुखता से लेती रही। उनकी राय में उस्ताद आमिर खान का संगीत सुनना मन को शांति के एक सफर पर ले जाने जैसा है। लता मंगेशकर के भाई और जाने माने संगीत निर्देशक पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ने तो उस्ताद आमिर खान से बाकायदा डंडा बजाकर संगीत सीखा था। लता मंगेशकर के लिए ये कहा जाता है कि वो समय समय पर उस्ताद आमिर खान से संगीत की बारीकियों पर बात करती थी। यहां तक कि 60 के दशक में लता जी को ऐसा लगने लगा था कि जब वो ऊपर के सुरों में जाती तो उनकी आवाज विभाजित होती है। उस्ताद आमिर खान की सलाह पर ही उन्होंने कुछ महीनों तक कोई भी गाना नहीं गाया। वो लगभग मौन की मुद्रा थी और बाद में
उन्होंने फिल्मी गायकी में जबरदस्त सुरीली बा सीखी। किराने घराने के मशहूर कलाकारों में शुमार दूसरे भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी भी उस्ताद अमीर खां की गायकी के मुरीद थे। उस्ताद अमीर खां की गायी रचनाओं में गुरु बिन ज्ञान, मन सुमिरत निस दिन तुमरो नाम, लाज रख लीजियो मोरी, साहेब, सतार, निरंकार, जय के दाता, तू रहीम राम तेरी माया अपरंपार, मोहे तोरे कर्म पे आधार जग के दाता सुन लीजिए, आपको गायकी में उनकी गंभीरता का एहसास आसानी से हो जाएगा। कोलकाता फरवरी 1974 एक सड़क दुर्घटना में खां साहब का इंतकाल हो गया था। रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जनाब, ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग हुए थोड़ा ही वक्त बीता था। दोनों देशों में अलग तरह का माहौल था, अलग तरह का संघर्ष था। इसी दौरान 35-36 साल के कलाकार ने सवाल किया था, क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ साथ कला संस्कृति का भी बंटवारा हो गया है? क्या संगीत के 7 सुरों में से 4 हिंदुस्तान में हैं और 3 पाकिस्तान चले गए? नमस्कार, आज मैं चंद्रेश सिंह आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक बड़ी शख्सियत की कहानी सुनाऊंगा। ये वही शख्सियत है जिन्होंने वो सवाल किया था, उस्ताद अमीर खां। दरअसल बंटवारे के बाद दोनों देशों को अलग अलग नियम कानून में बांधने की कोशिश चल रही थी। कहते हैं इसी दौरान पाकिस्तान में इस बात के भी प्रयास किए गए थे कि एक अलग किस्म की राष्ट्रीय संस्कृति बनाई जाए, हिंदुस्तान से अलहदा किस्म का संगीत तैयार करने की सोची जाए। इसी सोच से नाराज होकर उस्ताद अमीर खां ने यह सवाल पूछा था। अच्छा, उस्ताद अमीर खां भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान कलाकारों में गिने जाते हैं। उनकी पैदाइश 15 अगस्त 1912 को, पिता शामिर खान भेंडी बाजार घराने से ताल्लुक रखते थे। वे सारंगी और वीणा के मशहूर कलाकार थे। जाहिर है अमीर खान बचपन से ही संगीत सीखने लगे। ये जरूर है कि गायन से पहले उन्होंने सारंगी की तालीम दी थी। घर में हर शुक्रवार संगीत की महफिल लगती थी। एक रोज अमीर खान के पिता को समझ आया कि बेटे का ध्यान गायन की तरफ ज्यादा लग रहा है। उन्होंने भी बेटे को रोकने की बजाय उन्हें शास्त्रीय गायन की तालीम दिलाने पर सोच दी। इसका असर यह हुआ कि जल्दी ही अमीर खान रंगमंच में गाने लगे। धीरे धीरे सारंगी बजाना बिल्कुल ही छूट गया। कहते हैं कि एक बार अब्दुल वहीद खान साहब ने अमीर खान को गाते हुए सुना। उन्हें अमीर खान की गायकी बहुत पसंद आई और उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। अब्दुल वहीद खान किराना घराने के बेहद प्रतिष्ठित कलाकारों में गिने जाते थे। शास्त्रीय संगीत की दुनिया में अमीर खान की वाहवाही तब शुरू हुई जब वो दिल्ली छोड़कर कोलकाता गए। वहां पर उन्होंने रेडियो के लिए रिकॉर्डिंग की और लोगों ने उनकी गायकी को जमकर सराहा। कोलकाता में थोड़ा समय बिताने के बाद उस्ताद अमीर खान मुंबई चले गए। धीरे धीरे उस्ताद अमीर खान की गिनती उन शास्त्रीय गायकों में होने लगी जो गायकी नहीं चिंतन करते हैं। एक एक सुर में डूबते जाना और डुबोते जाना, यही उनकी खासियत थी। इस किस्से की प्रामाणिकता तो नहीं पता, लेकिन इतना कहा जाता है कि इसी सुर चिंतन की वजह से शुरुआती दौर में उस्ताद अमीर खान को एक बार लोगों ने खूब तक कर दिया था। लेकिन उस्ताद अमीर खान को अपनी गायकी से समझौते की आदत नहीं थी। उन्होंने ख्याल गायकी की उस परंपरागत सोच को भी पूरी तरह तोड़ा जिसमें कहा जाता था कि ख्याल गायकी में शब्दों का महत्व नहीं होता है। भैरव, तोड़ी, केदार, ललित, मारवा, पूरिया, दरबारी, मुल्तानी, पूरी, मारवा, रागेश्री, शुद्ध कल्याण, शुद्ध सारंग जैसे रागों को गाने में उन्हें बहुत मजा आता था। लेकिन नियम वही था कि पहले वो अपनी गायकी का मजा खुद लेते थे। आम संगीत प्रेमियों के बीच में उस्ताद अमीर खान का नाम तब प्रचलित हुआ जब वो बैजू बावरा और झनक झनक पायल बाजी के साथ जुड़ गए। बैजू बावरा सन 1952 में रिलीज हुआ, जिसमें संगीत दिया था नौशाद साहब। उन्होंने अपने रिस्क पर इस फिल्म में उस्ताद अमीर खान और पंडित डी वी पलुष्कर से गायकी करवाई, जो प्रयोग उस दौर में जमकर हिट हुआ। बैजू बावरा में राग पूरिया धनाशी, तोरी जय जयकार और राग देसी में आज गावत मन में रोज झूम के उस दशक के पसंदीदा गानों में शुमार हैं। इस फिल्म की कामयाबी के तुरंत बाद महान फिल्म निर्माता
वी शांताराम फिल्म बना रहे थे झनक झनक पायल बाजी, जिसमें संगीत दिया वसंत देसाई ने। इस फिल्म का टाइटल गीत गाया उस्ताद आमिर खान। इन दोनों फिल्मों ने उस्ताद आमिर खान को आम संगीत प्रेमियों के बीच भी खूब शोहरत दिलाई। उस्ताद आमिर खान की गायकी के दीवानों में भारत रत्न लता मंगेशकर भी शुमार है। वो अपने पसंदीदा शास्त्रीय गायकों की फहरिस्त में हमेशा खान साहब का नाम बड़ी प्रमुखता से लेती रही। उनकी राय में उस्ताद आमिर खान का संगीत सुनना मन को शांति के एक सफर पर ले जाने जैसा है। लता मंगेशकर के भाई और जाने माने संगीत निर्देशक पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ने तो उस्ताद आमिर खान से बाकायदा डंडा बजाकर संगीत सीखा था। लता मंगेशकर के लिए ये कहा जाता है कि वो समय समय पर उस्ताद आमिर खान से संगीत की बारीकियों पर बात करती थी। यहाँ तक कि 60 के दशक में लता जी को ऐसा लगने लगा था कि जब वो ऊपर के सुरों में जाती तो उनकी आवाज विभाजित होती है। उस्ताद आमिर खान की सलाह पर ही उन्होंने कुछ महीनों तक कोई भी गाना नहीं गाया। वो लगभग मौन की मुद्रा थे और बाद में उन्होंने फिल्मी गायकी में जबरदस्त सुरीली बात सीखी। किराने घराने के मशहूर कलाकारों में शुमार दूसरे भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी भी उस्ताद आमिर खान की गायकी के मुरीद थे। उस्ताद आमिर खान की गायी रचनाओं में गुरु बिन ज्ञान, मन सुमिरत निस दिन तुमरो नाम, लाज रख लीजियो मोरी, साहेब, सतार, निरंकार, जय के दाता, तू रहीम, राम तेरी माया अपरंपार, मोहे तोरे करम पे आधार जग के दाता सुन लीजिए, आपको गायकी में उनकी गंभीरता का एहसास आसानी से हो जाएगा। कोलकाता फरवरी 1974 एक सड़क दुर्घटना में खान साहब का इंतकाल हो गया था। रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।